कर्ज में डूबकर मरेगा पाकिस्तान। भारत को पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज बना पाकिस्तान के लिए मगरमच्छ और धीरे धीरे उसे निगलता भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको इसके बारे में। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गौरतलब है कि पाकिस्तान पर दिसंबर 2018 में कुल विदेशी कर्ज 99 अरब डॉलर का था, जो कि पाकिस्तान की GDP का 35.8% है। इस कर्ज को और भी खतरनाक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में महज कुछ अरब डॉलर की ही रकम है। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार में पाकिस्तान का चालू घाटा भी लगभग 8 अरब के उच्चतम स्तर पर है। साल 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को यह भरोसा दिलाया था कि वह पाकिस्तान को गरीबी और बदहाली की हालत से बाहर निकालेंगे। इमरान खान के यह वादे अब एक के बाद एक दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जानकारी को बता दें कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक समय से गुजर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई ही है। पाकिस्तान के खजाने खाली हो गए हैं और पाकिस्तान सरकार IMF से राहत पैकेज के लिए कई बार आवेदन कर चुकी है। पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और उच्च वित्तीय घाटा इमरान सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। आपकी जानकारी को बता दें कि पाकिस्तान की हालत इतनी फटे हाल है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने इस बात को स्वीकार किया है और नेशनल असेंबली से गुहार की है कि इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। बताए गए आंकड़ों के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का विदेशी कर्ज उसके लिए मगरमच्छ बन बैठा है, जो उसे धीरे धीरे निगल रहा है। चौतरफा मार खा रहे और बदहाली की मार से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, जब पेरिस में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। मतलब हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा पर बैन लगाकर पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता था, उसमें वह बुरी तरह नाकाम रहा। आपकी जानकारी को बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तरफ से पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेताया गया है कि जितना समय दिया गया है उसमें टारगेट पूरा किया जाए, वरना पाकिस्तान को आतंकियों की फंडिंग के मामले में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।